नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आईटीआई सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के पेपर का एनालिसिस करेंगे। वैसे ये पेपर आपका फेटर ट्रेड का है, लेकिन आप किसी भी ट्रेड से हो तो आप ज़रूर देखना अगर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, क्योंकि लगभग वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सभी ट्रेडों में सेम आती है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। साथ ही आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से भी टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही दोस्तों चैनल को अगर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप में हज़ारों बच्चे जुड़े हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं कि आज ये क्वेश्चन आए थे, क्योंकि वो एग्जाम देने के बाद में क्वेश्चन लेके आते हैं जितने उनसे कवर होते हैं, और फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि आज ये क्वेश्चन आया था सर, ये आया था, जिससे आगामी जो बच्चे एग्जाम में होते हैं उनको हेल्प मिलती है। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, किसी गति परक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो दोस्तों वो होती है आपकी वस्तु के सामने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? दोस्तों वो करता है आपका संपर्क सरफेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्नैक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों में आसपास लगातार लूप तेल छाप क्या है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा इस लेस फील्ड प्रणाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 केजी वस्तु को ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? दोस्तों इसका आवश्यक बल होगा 4.8 केजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे? दोस्तों वो था आपका गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा ज्यामिति आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है? इसकी ऊंचाई 1/3 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा त्रिभुज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चक्कर का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहते हैं हम व्यास। आज के दिन के तीनों पारियों में यही क्वेश्चन आए दोस्तों, तो वीडियो में जरूर बने रहना। अगला क्वेश्चन है, उस सेक्टर के चाप की लंबाई क्या है जिसकी त्रिज्या 15 सेमी है और अभिप्रेत कोण 30 डिग्री है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 7.85 सेमी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1/AM का मान क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा A-M। अगला क्वेश्चन है, A+B का होल स्क्वायर -A-B का होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 4AB। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, AB का मान क्या है यदि A+B का होल स्क्वायर बराबर 36 है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम विकृति कहते हैं, राइट आंसर B। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है आपका सुरक्षा गुणांक, राइट आंसर C। अगला क्वेश्चन है, उष्ण उपचार की प्रक्रिया क्या है? दोस्तों वो होती है संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, उष्ण उपचार के लिए विभिन्न चरण क्या है? दोस्तों वो होते हैं आपके हीटिंग, सोकिंग और स्क्वेचिंग। अगला क्वेश्चन है, लाभ क्या है? दोस्तों लाभ होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर साल को हम N से दर्शाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि ₹5,000 जमा किया गया तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 500 है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा, यानी हम उसे 5,500 के रूप में दर्शाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या था, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों पर संकेत दिया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा मूल्य सूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुपात के तहत क्या है? दोस्तों अनुपात के तहत है जब अनुपात वास्तविक अनुपात से कम हो, तो राइट आंसर C। तो दोस्तों आज यह पूरा पेपर आया था वर्कशॉप क्वेश्चंस का फिटर ट्रेड में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करो और अपने दोस्तों से अधिक से शेयर करो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।